दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण और अक्षर पर। बहुत समय क्या होता है कि वर्ण और अक्षर पर कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम वर्ण कैसे बोलें, अक्षर कैसे बोलें। आज के बाद आशा करता हूँ ये जो कन्फ्यूजन है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर। वर्ण और अक्षर, ठीक भाई। अब क्या है, एक बहुत ही जनरल हम बाकी लेते हैं जो हम नर्सरी वगैरह में सीखते थे, रमन, नहर, पर, मत, पहल। चलो भाई अब क्या है, सबसे पहले हमें इसके देखो टुकड़े करो, कहां कहां से तोड़ सकते हो। यहां से तोड़ सकते हो, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, रमन हो गया, ओके। दूसरा और क्या हो गया, नहर हो गया। दूसरा और क्या हो गया, पर हो गया। दूसरा और क्या हो गया, मत हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, लास्ट टहल। अब कहोगे कि सर इसको और तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। चलिए भाई और तोड़ो इसको, क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिला रा, धनमा, धन्ना, ठीक है। और इसमें क्या मिला आपको, ना मिला, हा मिला, और क्या मिला, रा, ठीक है। इसको और तोड़ो, पा मिला, रा मिला, ठीक। इसको और तोड़ो, मा मिला, ता मिला, ठीक है। और इसको तोड़ो, टा मिला, हा मिला और ला मिला, ठीक है। अब कहोगे सर इनको और तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ो भाई, ठीक है। ये रा, रा धन आ, ओके। इसको और तोड़ो, ये हम एजन मार लेते हैं, ठीक। अब इसको मां को तोड़ो, मां धन आ, इसी तरीके से ना को तोड़ो, ना धन आ, ठीक। ऐसे इसको सभी टूट जाएंगे, ये आखिरी में ये टा धन आ, हा धन आ, ल धन आ। अब देखते हो, अब कहोगे सर और इसको तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और अब आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अब देखिए आपको सबसे सूक्ष्मतम क्या मिला, रा और आ, ठीक है। ये अब जो किसी भी भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्लियर होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण, ठीक है। यहां से ऐसे भी लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये तैयार हो गया, ठीक भाई। दूसरा क्या है, जो ये हैं रा मा, ठीक है,
इनको हम अक्षर कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये अक्षर हो गए। चलो भाई, वर्ण और अक्षर मिल गया, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा, जैसे ये आपके व्यंजन हो गए और ये हो गए आपके स्वर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी अक्षर का निर्माण होता है तो उसमें दो चीजें जरूर होंगी, एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। बिना स्वर और व्यंजन के अक्षर का निर्माण नहीं हो सकता है। अक्षर के लिए क्या क्या जरूरी है, स्वर और व्यंजन का होना, ठीक है। कुछ ऐसे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक जो झटके में जो जिनका उच्चारण हो सके उनको भी कहते हैं अक्षर, ठीक है। अब जैसे ये है आ आ, जो भी आपके स्वर हैं ये भी कहलाएंगे, ठीक है, अक्षर, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है किसी मेल मिलाप के। अब बात करेंगे यहीं पे बाकी को भी देख लेते हैं कि बाकी क्या है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आशा करते हैं कि ये जितने भी हमने चीजें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।